सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम आ गए हैं सीता कुंड द्वार, जो कि हमारे ठीक पीछे है और ये है गया में। तो गया आ गए हैं और आज जो है इसे एक्सप्लोर करने वाले हैं, यानी इसको दिखाने वाले हैं अंदर से कैसा दिखता है, कैसा लुक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए देर ना करते, वीडियो को शुरू करते, चलिए लेट्स गो, अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको। यहाँ जो है पितर पक्ष मेला का, यहाँ यही लगता है ज्ञान एवं मोक्ष की भूमि गया में आपका स्वागत है। और यहाँ गया में जो एकमात्र सूर्य मंदिर है जो यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ से रास्ता है आगे जाने को। और यहाँ पे भी छठ जो होता है, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ सूर्य मंदिर है वहाँ तो छठ होना अनिवार्य है, वहाँ तो होना ही चाहिए। तो देख लीजिए, अगर किन्हीं को भी दर्शन करना है तो यहाँ आके जो है दर्शन कर सकते हैं। सीता कुंड के अंदर मंदिर जो है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। यहाँ सिर्फ आपको प्रतिमा जो है मिलती है अंदर, बहुत सारी प्रतिमा, बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। राम जी सीता जी के बीच में तस्वीर है और नीचे वहाँ पे दान दक्षिणा के लिए वहाँ पे रखा गया लगता है। ये राम जी का जो है ना पैर, उनका ये छाप है शायद, ये ऐसे घर बना हुआ है, पता नहीं कुछ है। लेकिन तो यहाँ मंदिर के अंदर जो बड़े बड़े पत्थर आपको मिलेंगे, और ये देखिए पत्थर पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे पग चिन्ह वगैरह है, यहाँ पे सीता राम करके जो है हर पत्थर पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। और ये निकास द्वार, यहीं से आपको बाहर के द्वारा जो है निकल जाएंगे, लेकिन अभी गेट बंद है शायद, तो हमें सामने वाले गेट से ही जाना पड़ेगा। सीता राम कुंड का मंदिर है, प्रमुख दर्शन इसके अंदर होगा। उसके बाद जो है इस साइड आप आते हैं तो यहाँ पे भी सीता जी का जो है प्रमुख दर्शन आपको यहाँ पे अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे राम जी सीता जी हैं और उनके साथ जो है उनके भाई जो है लक्ष्मण भगवान भी हैं। तो यहाँ पे मंदिर के अंदर जो है आप पूजा कर सकते हैं, तो बहुत सुंदर मूर्ति जो है अंदर आपको बनाई गई है। यहाँ जितने भी मंदिर है ना, बहुत बहुत पुराने मंदिर है। ये गाय माता का मंदिर है, मंदिर भरत आश्रम है, ये भरत जी का जो है ये आश्रम है ये पूरा। ये राम जी सीता जी और लक्ष्मण भगवान का यहाँ पे चरण भी यहाँ पे है मंदिर पे। पैसा नहीं लेके आए हैं। कुंड का ये मेन मंदिर है, जो राम जी सीता जी का मंदिर है, बहुत सुंदर है। अंदर माता का है, देवी जी का है, सीता कुंड मंदिर है ये। चलिए आगे चलते हैं। रबर डैम के अलावा जो है मुख्यमंत्री के द्वारा इसका नाम जो है गया जी डैम भी रखा गया है, जल संसाधन विभाग बिहार। और इस तरफ देखिए, ये है माँ सीता सेतु, माँ सीता सेतु के नाम पे रखा गया है, क्योंकि ये सीता कुंड जो है इस तरफ से सीता कुंड है, जोड़ती है दोनों तरफ से। और तीर्थ यात्री जो है ना, बहुत पुराना मंदिर है सीता कुंड का, वो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, तो इसलिए इसका नाम जो है माँ सीता जी के ऊपर से रखा गया है। रबर डैम के अलावा माँ सीता सेतु भी कहते हैं। और ये पूरा जो है ना एक स्टील का जो है क्रॉसिंग बनाया गया है, पूरा जो है स्टील का है। और काफी सारा जो है लाइटनिंग वगैरह दिया गया है, जो कि टाइम टाइम पे जो है ना चेंज होता रहता है, जिससे और ज्यादा ये आकर्षण, मतलब काफी अट्रैक्टिव लुक देता है और काफी अच्छा लगता है। टाइम टू टाइम जो है ना, खुद ब खुद जो है लाइट चेंज होता रहता है। देख सकते हैं अभी लाइट चेंज हो गई है। और नीचे ये पूरा डैम है, नीचे का डैम का एरिया है पूरा बनाया गया है। और जो भी तीर्थयात्री आते हैं ना, वो एक दूसरे से मतलब कनेक्टेड है, तो इस साइड से इस साइड इजिली आ सकते हैं, इसलिए भी इस डैम का जो है निर्माण किया गया है। ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है 3 मीटर की ऊंचाई है, और 400 मीटर जो है इसकी चौड़ाई है, और लगभग 17 मीटर की जो है इसकी कुल मोटाई जो है अनुमानित तौर पे जो है बताई गई है। तो देख सकते हैं इस तरीके का पूरा व्यू है और बहुत सुंदर लग रहा है। लोग काफी आते जाते हैं और टाइम टू टाइम जो लाइट चेंज होता है ना, तो ये काफी और ज्यादा अच्छा लगता है देखने। बिहार का जो है सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा डैम है ये अभी तक का। और ये रहा फल्गु नदी, जो कि बहुत अच्छा बनाया गया है, पहले से बहुत सुधार किया गया है। बहुत बड़ा जो है ये नदी है, देख सकते हैं काफी अच्छा है। लाइटनिंग चेंज होती है ना तो अच्छा भी लगता है देखने में, थोड़ा लुक अच्छा आ जाता है। तो वीडियो जो है मैंने यहाँ की आपको पूरी दिखा दी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।